लुधियाना से रवनीत सिंह बिट्टू को एक बार फिर से कांग्रेस द्वारा टिकट दिए जाने से कांग्रेसियों में खुशी का माहौल है, जिन्होंने एक दूसरे का लड्डुओं से मुंह मीठा करवाया और पार्टी हाईकमान का धन्यवाद किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 6 अप्रैल को बिट्टू के लुधियाना आगमन पर भरपूर स्वागत किया जाएगा। जो हाईकमान ने थले रुझान देखा, वर्करा का रुझान देखा, सारी लीडरशिप के जो विचार ले, उस तो बाद एक यूनैनिमस चॉइस है कि रवनीत सिंह बिट्टू जी, जिन्होंने 5 साल लुधियाना शहर के रह के लुधियाने वालों का मन जितया, लुधियाने वालों दी तकलीफां नूं एड्रेस किया, टाइम टू टाइम जिहड़े इशूज़ सीगे, चाहे वह स्टेट लैवल ते सीगे, चाहे सेंटर लैवल ते सीगे, वह पार्लीमेंट च वह किते भी गुरेज नहीं की। तो जे उन्हां दी परफॉर्मेंस देखिए, जां पार्लीमेंट च उन्हां दीआं हाजरियां देखिए, जां उत्थे इशूज़ चक्के, क्वेश्चन लगाए, वह सब तो नंबर वन रहे आ जिन्ने भी पार्लीमेंटेरियन पंजाब दे सीगे, ते किसे पासे उन्हां ने कसर कोई छड्डी नहीं। अज सरकार बदली है, जदों सरकार नहीं भी सी तो वह हर इशूज़ ते लै के, चाहे धरना लाउणा सीगा, चाहे किते बहना सीगा, मतलब सरकार दे अगे इशू चक्कण तो गुरेज़ नहीं उन्होंने भी की। तो हुण भी सरकार च होंदे होए भी ना वो गुरेज़ कर रहे, अज भी इशूज़ के पिछे सड़क ते उतरन तो गुरेज़ नहीं करते। मेरा ख्याल जिन्ना हुण चाहे डिवेलपमेंट के काम जिहड़े रुके हुए सी, हुण जिस पेस नाल टेक ऑफ करन लगे, अज लुधियाना एक बदलाव दी स्टेज पे खड़ा है। देखिए, सबसे पहले तो हम अपने हाईकमान का धन्यवाद करना चाहेंगे, उन्हें रवनीत सिंह बिट्टू जो लुधियाना से एमपी, उनको अपना टिकट दे के, खासतौर पर राहुल गांधी जी का, जिन्होंने राहुल अपना रवनीत बिट्टू जी के ऊपर फिर से भरोसा जताया है, उनको टिकट दे के जो वर्करों का मान बढ़ाया, उसके लिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और रवनीत सिंह जी को, बिट्टू को टिकट मिलने के लिए लोगों में उत्साह है। आप देखो, हम मेयर हाउस में सभी MLA, सभी मंत्री, सभी पार्षद, जिला के कांग्रेस कमेटी के दोनों प्रधान यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ताकि हम जो 6 तारीख को बिट्टू जी हमारे मेयर साहब यहाँ बैठे हैं, 6 तारीख को बिट्टू जी लुधियाना में एंट्री करेंगे, उनका हम भरपूर स्वागत करें। और नीलो पुल पे जितने बजे भी पहुँचेंगे, अभी टाइम मीटिंग हो रही है, वो फैसला हो जाएगा, हज़ारों की गिनती में काफिला उनके साथ चलेगा, उनका भरपूर स्वागत लुधियाना में होगा। जगह जगह स्टेजें लगेंगी, फूलों की बरसात होगी, और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी जीत के साथ रवनीत बिट्टू जी फिर से यहाँ जीत हासिल। वेलकम है जी पार्टी के डिसीजन का, और वेलकम है पार्टी के डिसीजन का, और हाईकमान ने जो भी डिसीजन लिया है पंजाब के हक में लिया है, पंजाब की बेहतरी के लिए लिया, मैं समझता हूँ। और कैंडिडेट्स पर दोबारा से भरोसा अपना कायम किया है पार्टी ने, और मैं सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, कैंडिडेट्स को भी और राहुल जी को भी और कैप्टन साहब को भी। आज सेलिब्रेशन की गई है, आप गैर हाजिर थे, और भी कई लोग गैर हाजिर थे, क्या कहना चाहते हैं? मुझे को किसी तरह इस तरह का कोई मैसेज नहीं था, तो मैं नहीं समझा कि अगर किसी ने बिट्टू की गैर हाजिरी में कुछ किया भी है तो ये उनकी नालायकी है। लेकिन बिट्टू को भी इन सब बातों से मैं समझता हूँ कि समझदारी से काम लेना चाहिए, लोगों की और बेहतर ढंग से और मिलने जुलने से अपने काम को और अच्छे तरीके से मैं समझता हूँ कि करना चाहिए, लोगों को पूरी तरह से मिलना चाहिए और सबको साथ लेके चलना। जागृति लहर के लिए लुधियाना से सुरेंद्र अरोड़ा, सोनी की रिपोर्ट।